सीएम योगी ने निशाना साधा विरोधी खेमा को लेकर जो जो पब्लिक की परेशानियां रही है, जो बीते 5 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं उससे बाकायदा पब्लिक के सामने, जनता के सामने गिनाया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए। लेकिन सहारनपुर से इस वक्त पीएम मोदी क्या कहते हैं, इस पे हम सभी की निगाहें। इस बीच सहारनपुर का सियासी गणित क्या है, आबादी के हिसाब से क्या है, मुस्लिम आबादी 46% से ज्यादा, 2017 से पहले क्या स्थिति रही है चुनावों में, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 17 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती है, नकुड़ से कौन चेहरा है, धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए जो किसी बल्ड से आते हैं। तो अभी थोड़ा माहौल बदला हुआ है, समीकरण बदला हुआ है, लेकिन बदले हुए समीकरण में जो मौजूदा वक्त में तमाम बड़े चेहरे हैं वो कैसे पब्लिक के सामने अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर पीएम मोदी हो, वो हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच आप भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस कोरोना कालखंड में पूरे देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने के लिए जिस कोविड प्रबंधन के माध्यम से दुनिया के अंदर पूरे भारतवासियों के सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि कोरोना की तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, किसी को पता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति सुरक्षित भी है और डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का भी प्राप्त कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश की 58 सीटों पर 11 जनपदों में जहां ये मतदान बड़े धूम धड़ाके के साथ एक बार फिर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से आएगी, इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश का मतदाता वोट देने के लिए उत्सुक है। तो आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अब तक वर्चुअली सभी प्रदेशवासियों का और देशवासियों का मार्गदर्शन किया और आज जब प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के वह आज अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उन्होंने मां शाकंभरी के इस पावन धाम को चुना है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री